डैड क्या हुआ है आपको, इतने गुस्से में क्यों हैं? कुछ तो बोले। क्या समझता है खुद को? किसकी बात कर रहे हैं? हारिब की और किसकी? हारिब ने क्या कहा है? रेजिग्नेशन लेटर भेज दिया उसने ऑफिस में। क्या हारिब भाई ने जॉब छोड़ दी? हाँ, उसके बाद घर मिलने गया था मैं उससे। क्या कहा आपने? जो ऐसे एहसान फरामोश लोगों को कहा जाता है। डैड क्या आपने उनकी इंसल्ट तो नहीं कर दी? जाहिर है, कैसे ना करता, वो इंसल्ट के ही काबिल है। ये क्या किया आपने डैड? तुम अगर मेरी जगह होती ना तो शायद तुम भी यही करती। और वो बदतमीज माया, वो भी बोल रही थी। क्या कह रही थी वो? इल्जाम लगा रही थी मेरी बेटी पर। उसकी बातें क्यों सुनी आपने? वो है ही जेलिस लड़की। बदतमीज, पता नहीं क्या ऑल फॉल बोल रही थी। कह रही थी कि मैंने इन दोनों को रेस्टोरेंट में भी देखा है। झूठ बोल रही होगी। एनीवे, मैंने उनको कह दिया है कि अब मैं अपनी बेटी को उस घर में नहीं भेजूंगा। आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मैं ऐसा ही करूंगा, दोबारा तुम्हें उस घर में नहीं भेजूंगा। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में, तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो, दिल तेरे संग, दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग यारा। समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। तुम्हें जमाल भाई के सामने इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। कैसे ना बोलती, आपने देखा नहीं कितना ऑल फॉल बोली जा रहे थे। फिर भी माया, बड़े हैं वो हमारे, रिश्तेदार भी बल्कि दोहरी रिश्तेदारी। दोहरी रिश्तेदारी जल्द खत्म हो जाएगी क्योंकि भैया कह चुके हैं कि वो रेशमा के साथ नहीं रहना चाहते। हाँ, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं हारिब को समझाऊंगी।